गोपाल कृष्ण गांधी लिखते हैं कि उनकी एक समस्या थी, और समस्या ये थी कि वो जीवक राम भगवान दास कृपलानी थे। शांति प्रतिष्ठान के जेपी की जो समन्वय समिति थी, जिसमें हर राजनीतिक दल के दो प्रतिनिधि थे, उसमें जेपी ने पहली मीटिंग में दो युवा प्रतिनिधि रखने की बात कही, जिसमें अरुण जेटली जी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे, मैं उस वक्त अलीगढ़ में था, तो हम दोनों को उसका समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया था। तो यही पर इतने कार्य की बात नहीं,
ये तो मैं फिर यकीन बता रहा हूँ उनको सुनाते, वरना तो हम तो दिल्ली में नहीं रहते थे, हम तो अलीगढ़ में थे। दिल्ली में स्कूलिंग हुई है, हम तो अलीगढ़ में थे, मगर उस वक्त आचार्य जी बहुत वयोवृद्ध थे और कई दफा सर्वोदय स्थित उनका, सर्वोदय में था ना, सर्वोदय स्थित उनके घर पे भी जाने का मौका मिला है। तो मेरे लिए ये बड़ी बहुत ही सम्मान की बात है और वो यादें ताज़ा हो गई जब आपने मुझसे कहा कि मैं इस साल इस वर्ष के का व्याख्यान देने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी। आचार्य जेपी के प्रणानी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, खुद उन्होंने बहुत लिखा है, उनको समझने के लिए वो सब पढ़ा जा सकता, लेकिन जो उनके बारे में गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखा है वो मुझे बहुत ही रुचिकर लगता है। और गोपाल जी ने जिस तरह लिखा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है और हमने देखा भी कि वो अपनी तरह के खास व्यक्ति हैं। उनका एक मिजाज था। गोपाल कृष्ण जी ने जो जिस वक्त उनकी 90 साल की उम्र थी उनसे पूछा कि दादा अब आपकी बहुत आयु बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप टहलते समय एक छड़ी आप हाथ में क्यों नहीं रखते? बोले कि तुम मेरे मिजाज से वाकिफ हो, अगर छड़ी मेरे हाथ में आई तो क्या हो सकता है। कल जब राजनाथ भाई शर्मा छड़ी लेके केरला हाउस आए तो मैंने इनको ये बताया और मैंने कहा लेकिन आप तो बहुत सहज मिजाज के आदमी है, इसलिए आपकी छड़ी से डर नहीं लगता है। तो लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अभी रामबहादुर राय ने बताया कि वो बहुत ही लोकप्रिय अध्यापक थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया तो आचार्य कृपलानी ने बनारस से उन्हें खत लिखा और कहा कि मैं इसमें आपको असिस्ट करना चाहता हूं। आचार्य कृपलानी जी महात्मा गांधी से शांति निकेतन में जब बापू गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए थे तो वहां वो उनसे मिल चुके थे, ये शांति निकेतन में होंगे, वहां उनकी भेंट हो चुकी। तो बापू का बड़ा स्नेह पूर्वक पत्र आया जिसमें लिखा कि तुम जब मुझे शांति निकेतन में मिले थे तो तुम्हारे चेहरे से मैं ये पढ़ सकता था, तुम्हारे भावों से, तुम्हारी प्रतिक्रिया से कि तुम इस राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाओगे। और उसके बाद वो उसमें उन्होंने उनको सस्पेंड किया। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि आचार्य कृपलानी जी सब लोगों ने दादा के नाम से पुकारते थे, उनका जो योगदान है, उनकी जो तपस्या है, उनका जो त्याग है, उसके अनुरूप आजाद भारत में उनके लिए भूमिका नहीं बन सकी। और इस पर मतलब वो हर कोई मानता था उस उम्र में भी 90 साल से भी 94 साल
कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही जो कहते पेनिट्रेटिंग आंख उनकी ऐसी थी कि आदमी को देखे तो लगता है जैसे पूरा समझ लेंगे। तपस्या, कड़ी मेहनत, ऊर्जा और अपने आदर्शों के लिए किसी भी बड़े से बड़ी चीज का त्याग करना, ये उनके लिए मामूली बात थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, चाहे खादी का खादी काटने के खिलाफ थे महात्मा गांधी से मिलने से पहले, लेकिन जब जब उसे स्वीकार किया, और स्वीकार इसलिए नहीं किया कि सिर्फ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर स्वीकार किया, बल्कि उसका खूब अध्ययन करके जब उनके मन ने स्वीकार किया तो चरखा भी उसी तरह काटते थे। आंदोलन के बीच में जेल जाना हो किसी से पीछे नहीं थे, और बापू के बहुत विश्वास पात्र थे। लेकिन श्री गोपाल गांधी के अनुसार आचार्य कृपलानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। वो समस्या ये थी कि वो का जीवट दास भगवान दास जीवट राम भगवान दास, तो गोपाल कृष्ण गांधी लिखते हैं कि उनकी एक समस्या थी, और समस्या ये थी कि वो जीवट राम भगवान दास कृपलानी थे। अब ये बड़ा बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य मुझे लगता है। वो बापू के उनका अपना व्यक्तित्व था, वो बापू के भक्त थे, लेकिन पिटती ध्वनि नहीं थे, अपनी राय देने में कभी हिचक नहीं करते थे, बापू का आदेश मानते थे, फैसला मानते थे, लेकिन जहां कहीं उन्हें ये लगे कि यहां उनकी कोई असहमति है या उन्हें कोई नई बात कहनी चाहिए, उसके कहने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। वो बापू के विचारों के सशक्त व्याख्याकार थे, वो द ग्रेट इंटरप्रेटर ऑफ गांधीयन थॉट। लेकिन वो ही वाज नॉट लाइक ए पेरेंट, वो तोते की तरह बापू की बातों को रटते और दोहराते नहीं थे, वो अपने साथियों के सहयोगी थे, विश्वास पात्र थे, लेकिन वो शांति होना तो कहीं उनकी तबीयत में दूर दूर तक, जब हमने तो उनको बहुत बुजुर्गी की उम्र में देखा है, तो वो तो जो भी उनके बारे में आप पढ़िए तो उसमें ये नजर आता है कि वो तो कहीं संभव ही नहीं था कि वो किसी के सामने, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन थोड़े सारा गौर कीजिए इस बात, सारा जीवन लगाए जिस पार्टी को बनाने में और जिसके शीर्ष पर पहुंचे, और उतने साल तक त्याग, तपस्या, जेल, सब कुछ तकलीफें बर्दाश्त की, और जब उस पार्टी का देश में शासन कायम हो गया और वो उस वक्त शीर्ष नेतृत्व में, उसके कुछ ही दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे। वो जो आत्मा की, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, भारतीय संस्कृति का थोड़ा भी हमें जब उसका उसमें उसका थोड़ा सा भी अंदाजा होता है, ज्ञान होता है, तो वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्च्यू ऑफ इंडियन कल्चर इज फ्रीडम ऑफ स्पिरिट। आत्मा किया तियज देखम कुल सियार्थे, ग्राम सियार्थे कुलम तेजे,
ज्ञानम जनपस्य अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी तेजे। इंसान को हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो अपने परिवार के लिए अपने हितों को कुर्बान कर, अपने गांव के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर, देश के लिए अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को कुर्बान कर। लेकिन चौथी लाइन कहती है कि आत्मार्थे पृथ्वी तेजे, बट टू अफोर्ड द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट इवन इफ यू हैव टू सैक्रिफाइस द होल वर्ल्ड, देन यू मस्ट। तो जिनसे उन्हें, जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया, जिनके साथ उन्होंने जेलें काटी थी, जिनके साथ उन्होंने एक सहयोगी के रूप में 30-40 साल काम किया, जब अंतर आत्मा की आजादी का सवाल आया, और वो भी किस समय, जब वो ऑलरेडी उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच चुके थे, समझौता करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं था। और फिर पार्लियामेंट में उनकी आवाज निश्चित तौर पे बड़ी प्रभावी सशक्त आवाज थी। 52, 57, 63, 67 लोकसभा के सदस्य और जो भी कोई ऐसा विषय, बुनियादी तौर पे तो वो गांधी जी के शिष्य और बापू कहते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में तुम जो भी काम कर रहे हो उसको नापने का पैमाना सिर्फ एक है, मापदंड केवल एक है, तुम्हारे काम से अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा। अगर अंतिम व्यक्ति जो सबसे कमजोर, उसकी प्राथमिकता, कोई भी कार्य अगर उसको फायदा नहीं पहुंच रहा तो उसको त्याग दो, और जो कार्य करो उसमें पहले ये देख लो कि उसको फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। आचार्य कृपलानी के भाषणों को अगर हम पढ़ें तो लगता है कि ये उनका मार्गदर्शक सिद्धांत था। जिस तरह उनकी आवाज वंचितों के लिए, कमजोरों के लिए, मार्जिनलाइज लोगों के लिए, जिस तरह वो सशक्त आवाज उठाते थे, मैं मानता हूं कि वो आने वाली जनरेशन के पार्लियामेंटेरियंस के लिए, संसद में काम करने वालों के लिए, सदस्यों के लिए एक तरह से वो प्रेरणा का स्रोत है। मुझे वो भाषण, मैंने भी कई से भाषण उनके बने पार्लियामेंट, और उनके भाषणों में जो कि वो कांग्रेस छोड़ चुके थे, हुकूमत कांग्रेस की, इसलिए उनके भाषणों में आलोचना है सरकार, लेकिन आलोचना के साथ एक बड़ी, बहुत ही विद्वता, कुशाग्रता, जैसे पैनी नजर कहते हैं वो, और व्यंग के बाण छोड़ने में भी पीछे नहीं थे, और उसी के साथ उसी के बीच में ऐसे वाक्य भी बोलते थे कि विरोधी भी हंसने और मुस्कुराने पे मजबूर हो जाते। ये उनकी खूबियां थी, और उनको इसका श्रेय जाता है कि भारतीय संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1962 की जंग के बाद 1963 में, चंद महीने बाद, पहला अविश्वास प्रस्ताव भारत की संसद में आचार्य कृपलानी जी लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता था,
लेकिन जो संसद की नियमावली है उसमें प्रावधान और किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, ये जरूरी नहीं होता कि अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ सरकार को गिराने के लिए लाया जाए, बल्कि एक रचनात्मक आलोचना अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए भी उस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। और वो पहले लोकसभा सदस्य थे जिन्होंने 1963 में, ये भी उनके परिवार की कहानी भी बड़ी रोचक है, सुचेता जी और कृपलानी जी में 20 वर्ष का फर्क था लगभग, महात्मा गांधी दोनों के बीच में, दोनों शादी करना चाहते, पहले तो लोग समझते थे कृपलानी जी को, वो अपनी वो जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो महिलाओं से बात करने में भी जरा सा पीछे हट जाते, तो लोग ये मानते थे कि इनकी डिक्शनरी में इनकी शादी वादी कभी नहीं हुई, ऐसा लिखा हुआ है उन्हीं के साथ। लेकिन वो सुचेता जी के ऐसे उनका जो भी भाव बना, महात्मा गांधी पक्ष में नहीं थे दोनों के शादी के, और वो किसी मौके पे उस वक्त वो शादी रुक गई कुछ वक्त के लिए, फिर महात्मा गांधी चाहते थे सुचेता जी किसी और से विवाह कर ले, सुचेता जी ने एकदम मना कर दिया, और कुल मिला के ये है कि दोनों की शादी। लेकिन कितनी मजेदार बात है कि उस कांग्रेस के, कांग्रेस की सरकार के धुर विरोधी, और सुचेता जी कांग्रेस की बड़ी लीडर, इससे एक अंदाजा होता है कि क्या मतलब घर में, इसका मतलब साफ बात है कि घर में तो राजनीति की बात नहीं होती होगी ना, और कितने बड़े दिल हैं। और जब 1963 में सुचेता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी देश में कहीं, तो आचार्य कृपलानी जी से लोगों ने पूछा उनकी प्रतिक्रिया, बोले ये कांग्रेसी इतने बदमाश हैं कि मेरी बीवी को भगा ले गए। लेकिन उनका बहुत बड़ी भूमिका है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन उससे पहले जैसा कि यहाँ कहा गया कि उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पढ़ाई के बाद एक शिक्षक के तौर पर शुरू किया, उन्होंने BHU में भी काम किया, वो गुजरात विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, और उनकी पहली मीटिंग जिसे मैंने बताया था कि शांति निकेतन हुई थी 1917 में, उन्होंने ये भी गोपाल जी ने लिखा है कि श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनके बारे में जब गोपाल किशन जी ने पूछा आचार्य कृपलानी जी से, तो उन्होंने कहा वो बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, और जो उन्होंने लिखा है पहले मैं वो पढ़ूं फिर आपको अनुवाद करता हूं। गांधी जी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज फ्लॉ विच फेथफुली फॉलोड। गांधी जी पूरे आश्वस्त रहते थे कि बेहतरीन लोगों का जो समूह उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गया था, असाधारण प्रतिभा के लोग, उनके बारे में वो हमेशा आश्वस्त रहते, बट देयर वॉज वन नेम दैट केप्ट रनिंग आउट ऑफ लाइन हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। लेकिन उनमें एक बड़ा व्यक्तित्व ऐसा था जो इधर उधर लाइन से हटके भी निकल जाते, और वो चाहे हियर हो चाहे देयर हो या एवरीवेयर हो, गांधी जी उन्हें उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते थे और फिर पकड़ के लाइन में खड़ा कर देते। ये आचार्य जी ने कहा है।
मैंने पहले ही कहा आपसे कि वो बहुत आजादी के फौरन बाद ही बड़े आलोचक हो गए थे और बाद में यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान की तस्वीर मैंने अभी देखी लगी रही शाम उनके साथियों में। तो आचार्य जी उन लोगों में थे जिन्होंने गुलाम भारत में भी जेलें काटी और आजाद भारत में भी जेलें और खान अब्दुल गफ्फार का जब ये जुमला लिख रहा था फोटो देखा मैंने तो मुझे जी जो फोटो देखा तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो बेचारे ने जितनी जेल काटी अंग्रेजों के जमाने में उससे ज्यादा जेल काटी देश के आजाद होने के बाद। तो हमारे मैं इसलिए मुझे मैं मानता हूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये इनिशिएटिव दिया तो इनिशिएटिव दिया अमृत महोत्सव और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए आह्वान किया जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो आजादी की इस आजादी का सूरज अपनी जिंदगी में देखे। उन्होंने त्याग किया उन्होंने मेहनत की ताकि उन्होंने अपना आज संघर्ष में गुजारा ताकि आने वाला कल हमारा जो आज है वो बेहतर हो सके हम आजादी की फिजा में सांस ले सके हम एक जो गुलामी के का जो बोझ है उससे अपने आप को मुक्त करा। तीनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा चूंकि दोनों उससे मुताबिक हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। 1947 के आसपास बापू ने अपने संयम और धैर्य का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रयोग किए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां थी और बापू ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया बताया कि उनका उद्देश्य क्या है और गलत फहमियां पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं और वो जो पत्र लिखा जिन लोगों को भेजा गया उनमें कृपलानी जी भी थी। कृपलानी जी ने जो उसका उत्तर लिखा मैं मानता हूं कि उसमें उनकी जो गहरी जड़ें थी अपनी संस्कृति में उसका वो अभिव्यक्ति उसको मिलती है। वहां उन्होंने कहा ये खत 1 मार्च 1947 को आचार्य जी ने बापू को उत्तर दिया। लिखते हैं आपका पत्र मुझ में आपके विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। मैंने भी इस बारे में आपके नजदीकी लोगों से कुछ सुना है लेकिन इस विषय पर जब मुझसे बात करने का प्रयास किया गया तो मैंने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया और उस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। मेरी बुद्धि तो एक पथगामी है मैं अपने आप को उस काम तक सीमित रखता हूं जो मेरे जिम्मे किया गया है लेकिन अब आपने मुझे पत्र लिखा है तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपने अपने पत्र में जो कुछ भी लिखा है वो मेरी समझ से ऊपर है। दूसरे मैं कभी किसी दूसरे की नैतिकता के बारे में निर्णय देने जजमेंट में बैठने के पक्ष में नहीं हूं खास तौर पर उनके बारे में जो नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे बहुत आगे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आपके अंदर मेरा विश्वास अटूट है। इस मामले में कोई पापी व्यक्ति चीजों को आपकी तरह पेश नहीं कर सकता उस पर चर्चा नहीं कर सकता। मेरे मन में अगर इन तनिक मात्र भी संदेह हो जाए तो मैं अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करने की बजाय आपकी बात पर विश्वास करूंगा।
क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, पर मुझे आपके प्रति विचलित नहीं कर सकती। मैं ये भी जानता हूं कि आप श्रीमद् भगवद् गीता के छात्र हैं और वो किताब आपका प्रेरणा स्रोत है, और मन में ये बात आप कहती शंका व्यक्त करती कि मन में ये बात उठती है कि कहीं गीता में प्रतिपादित लोक संग्रह के सिद्धांत का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। लेकिन इस मामले में भी मेरा विश्वास है कि ये सिद्धांत आपकी नजर से कभी अलग नहीं हुआ होगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो इस आपके विषय से संबंधित, उसको मैं थोड़ा सा और आपका समय लेना चाहूंगा। जहां वो 15 जून 1947 को AICC की मीटिंग में भाषण देते हैं और कहते हैं 15 जून 1947 आजाद होने का फैसला हो गया है, लेकिन अभी आजादी में वक्त बाकी है। सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी मार्च के महीने तक। क्या क्या मार्मिक शब्द है। मामला केवल इतना नहीं है कि बड़ी संख्या में मासूम लोगों की जानें ले ली गई हैं, बल्कि जिस चीज ने मुझे विचलित किया है वे ये है कि इन अपराधों के माध्यम से धार्मिक आदर्शों और मूल्यों पर कुठाराघात किया गया और धर्म को के नाम को बदनाम किया गया। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से जघन्य हिंसा करने के तरीके एक दूसरे से सीखे, ताकि पहले की तुलना में अधिक मासूमों का खून बहाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर नई हिंसक घटना में पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिंसा और क्रूरता के नए आयाम सामने आते हैं और जानवरों की तरह व्यवहार करके धर्म की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा को खंडित करने में नए हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन मेरा ये गर्व इसलिए इस सत्य में मूलित है कि हिंदू पर्यायवाची है अहिंसा का, हिंदू पर्यायवाची है शांति का, और हिंदू का मतलब है एक परम तत्व को स्वीकार करके उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों को सम्मान और आदर दे। अगर हम इन आदर्शों से प्रेरणा नहीं ले सकते तो और अपनी सुरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अब ये एक एक जुमला आप गौर करिए इस भाषा का, और आप इसका स्रोत कहीं ना कहीं वेदों में या उपनिषद में ढूंढ लेंगे। एक परम तत्व का को स्वीकार करते उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों के प्रति सम्मान और आदर, सो कामायता बहुश्याम प्रजा ये थी। और जब आदि काल में परम तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहु रूप हो जाऊं, वही आचार्य कृपलानी कह रहे हैं। या मिसाल के तौर पे जो जिस स्रोत के साथ भारत की सांस्कृतिक यात्रा का आरंभ होता है, एकम सर विपरा बहुधा बदल, सच्चाई एक है हक एक है, उसके ये तो ऋग्वेद तो पहली किताब हम नहीं ठीक से 4000 साल तो सब मानते हैं, लेकिन आज सवाल है कि शायद उससे भी ज्यादा पुरानी। अरबी में भी एक बड़ा खूबसूरत शेर लाइन है, इबारात न शत्ता व हुस्न का बाद व कुल्लु मिला जातल जमालु युशी,
वो जो हुस्न है वो तो एक है, उसकी तरह तरह से व्याख्या की गई, जिसने उसको जैसे समझा। अरे जैन जैन परंपरा में अंध गजन्नी की थ्योरी है कि छह अंधे आदमियों के हाथ में हाथी आ गया, किसी ने पूंछ पकड़ी का हाथी ऐसा है, किसी ने सूंड पकड़ी का हाथी, जिसके हाथ में टांग आई उसने कहा कि ऐसा। और तो ये जो इसके लिए जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, उन्होंने जहां पे उनका बहुत ही प्रशंसा की है, तो अपने उस भाषण में उन्होंने कहा है, मुझे गर्व है मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने दुनिया में जो कहीं भी कोई परसिक्यूटेड जिनको उनकी आस्था के कारण प्रताड़ित किया गया, मेरे देश ने हमेशा उनको स्वीकार किया। यहूदी हमारे देश में पहली सदी में आए, उन्हीं उस साल में आए जिस साल टेम्पल ऑफ सोलोमन को ध्वस्त किया गया। क्रिश्चियन पहली सदी में आए, फारसी जब उनके लिए अपने देश में रहना नामुमकिन हो गया तो वो भारत में आए, और उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग अपने दिन की शुरुआत इस दुआ के साथ करते हैं, रुचि नाम पैचिक त्रिया दिल जो कुटिल नाना पर जिशाम निर्णाम एको गम्यस कम सी पैसा मंडल। जिस तरह मुख्तलिफ विभिन्न नदी नाले चश्मे स्रोत पानी के अपने अपने ओरिजिन से अपने स्रोत से निकल के उल्टे टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए कुल मिलाकर जाकर समुद्र में लीन हो जाते हैं, हे प्रभु इसी तरह हम इंसान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृति यान की भूतानी, हर एवरी इंडिविजुअल इज ए यूनिक पर्सन, प्रकृति यान की भूतानी खास प्रकृति पे हर किसी को पैदा किया गया, तो हम अपनी प्रकृति पे निर्भर करते हुए अलग अलग रास्ते लेते हुए आखिरकार जाके तुझी में लीन हो जाते। तो भारत की आज पूरी दुनिया प्लूरलिस्टिक हो रही है, पूरी दुनिया डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रही है, अगर हम इसे कहें तो पिछले 100-150 साल में और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, उसमें ये परिवर्तन आया है दुनिया, लेकिन भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता को पहले दिन से बहुधा का को स्वीकार करना और बहुधा का जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं उनका आदर और सम्मान करना, और हम अगर वो ना करें तो हम अपनी विरासत के प्रति वफादारी नहीं दिखा।